everyone, welcome back to my channel. I know it's after long time, but मेरा तो ये होते रहता है, आप लोगों को पता है. तो मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ और साथ में ये खूब सारा ज़ारा का शॉपिंग किया मैंने. और मैं आज ज़ारा का हॉल आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने ज़ारा से क्या क्या खरीदा है. और एक चीज़ मैंने किया है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, वो है मैंने फिर से एक डायमंड रिंग ले ली मेरे लिए खुद के लिए. हाँ, पता नहीं क्यों मेरे को डायमंड और गोल्ड से इतना प्यार है, इतना प्यार है. मतलब एक साल में अगर मैं एक नहीं खरीदती ना, एक नहीं खरीदूँ तो मेरे को चैन नहीं मिलता. तो मैंने सोचा इधर ये दोनों तो है, तो मैंने इसका वाला भी ले लिया है. अभी नहीं पहना है लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा दूंगी. तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इंजॉय करना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है. मस्त है ये भी. पंकज इसके बाद आएगा इसका पेंट. Thank you.
कलर सही लिया ना? नहीं दीदी, ये थोड़ा अलग लग रहा है। एक बार मुझे लेना, तुम्हारा उंगली मत आने देना। सेम तो है, सेम है ना, सेम है। ये ठीक है। इसका अलग है, ये 329 ना, इसका कितना है? इसका भी सेम है क्या? सेम। इससे भी अच्छा है ना? तो? इससे भी अच्छा है? ठीक है, ये ठीक है ना? ब्लैक तो नहीं आता। यही अच्छा लग रहा है ना? ये ठीक है ना? यस। तुम्हारा टाइप का है? यार चूना लग गया। अभी हम चले हैं, चलते हैं। चूना तो लग गया, इतना सारा का शॉपिंग कर लिया और ये फोटो लेने में इतना इसको इतना प्रॉब्लम है। वैसे देखो तुमको इतना प्रॉब्लम की है, वीडियो क्लिक करने में इतना प्रॉब्लम। और फालतू में मैंने इतना शॉपिंग कर लिया, ले लिया मैंने, ले लिया। अब इसका बिल बनेगा और मेरे अकाउंट में पैसे खत्म हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे क्या चल रहा है। ज़ारा का शॉपिंग करके उसके बाद हम लोग घुस गए थे ऑरा डायमंड रिंग ज्वेलरी के शॉप पे, और वहाँ पे मुझे सडनली एक रिंग पसंद आ गया और वो भी मैंने ले लिया। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा।
ले लिया, ले लो। क्या कर रहे हो? अरे कमा रहे तो उड़ा तो रहेंगे, कमा रहे तो उड़ाएंगे, इसकी वजह से इसको पूछा था मैंने कि लूँ कि ना लूँ, ये बोलता ले लो, अगर मेरे को घर जाके पसंद नहीं आया तो मैं इसके गाला दबाऊंगी। सदन प्लेन, सदन प्लेन में मेरा ऐसा चला लगता है। और मुझे डायमंड रिंग इतना पसंद है, इतना पसंद है ना, ये डायमंड और गोल्ड में मैं इन्वेस्ट करती रहती हूँ। कभी ये दोनों में था, ये दोनों में इसमें नहीं था, तो ये वाला लेंगे बोल के आया, तो कौन सा ये वाला लिया ना, इस यहाँ का वाला बहुत पसंद है लेकिन वो बहुत महंगा है, इसलिए मैंने इसका वाला ले लिया। और 50-50 माइंड सेट था, लेकिन दोस्त लेके आए ना तो दोस्त लोग ना अच्छा है बोलने से तो लेना ही पड़ जाता, तो ये वही हुआ मेरे साथ। और ये हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, ले लो ना, उसे क्या लेना, एक ही है, एक ही लेना ये ले लो, कैसा होगा ये, मीठा होगा क्या? कैसा है पता नहीं होगा, थैंक यू, दुकान भी होगा मैं शॉपिंग भी होगा, नाइस। चूना लगा के निकला हम दोनों, सब इसकी वजह से, ये अगर साथ में होता ना तो मैं बोलता मैं कल आके ले लूंगी, लेकिन ये फारक मतलब एक हो जाता ना, हाँ कोई बोलता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, जो साथ में अगर वो बोल दे अच्छा लग रहा है तो पक्का लेने का मतलब, नहीं भी हो फिर भी लेना पड़ता है, तो मेरे साथ देखना मुझे कुछ अच्छा, तो मेरे साथ वही हुआ आज तो ले लिया, और हम पहन के भी जा रहे घर, तो ये मेरा लास्ट परचेस होगा डायमंड आई थिंक। मैंने जब ये लास्ट वाला ये वाला ख़रीदा था तब भी मैंने बोला था मेरे दीदी को कि हाँ ये लास्ट परचेस है, फिर मैंने आज ले लिया, यही चलता है मेरे साथ। चला फिर बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम पागल हो रहे हैं, बहुत कॉमेडी हो रहा है।
से क्या क्या परचेस किया है, तो जल्दी जल्दी से ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और मैं आजकल वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि आई एम वेरी 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 बिजी, तो आप लोग समझ सकते हो, लेकिन जब भी टाइम मिलेंगे आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने ज़ारा से क्या शॉपिंग किया है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या परचेस किया मैंने, पहले वाला दिखाऊं? हाँ, बेस्ट वाला पहले दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे ऐसे एक्साइटमेंट और पैशन मेरे अंदर ज्यादा भर गया है, तो मैं आप लोगों को पहला दिखाती हूँ। ये है बेस्ट परचेस, मतलब मैं एक्चुअली शॉपिंग के लिए नहीं गई थी, मेरा इंटेंशन शॉपिंग का नहीं था। आफ्टर चर्च मैं गई थी कुछ अपना एक कॉस्मेटिक्स, मतलब मेरा कुछ कॉस्मेटिक खत्म हो गया था, तो स्किन केयर के लिए मैं गई थी, लेकिन मुझे मिल गया कुछ और, तो बस चेकआउट करने अंदर गई और मेरा चूना लग गया। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। One of my best purchase from Zara अभी तक का बताऊंगी, क्योंकि ये जब मैंने पहना, by God, ऐसा लग रहा था ये मेरे पैर के लिए बने हैं, और मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म ऐसे फ्लैट अच्छा लगता है, मतलब यू नो प्लेटफॉर्म टाइप का फ्लैट मुझे बहुत पसंद है, तो ऐसे ऐसे मतलब मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो मेरे को लगा कि ले लेना चाहिए। तो इसका प्राइस एक्चुअली तो इसका प्राइस आया मुझे इतना, अब देख पा रहे हो 4290, मतलब एक्सपेंसिव है, फुटवेयर में इतना महंगा वाला तो ज्यादा है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है ना, मैं नहीं लेने से मेरे को रिग्रेट होता है, तो मैंने ले लिया। आप लोग देख सकते हो कितना सेक्सी है ये बाइक, और पहनने के बाद तो मत ही बोलो, मस्त लग रहा है, मस्त। एंड इसके बाद मैंने क्या लिया, यस ये डेनिम जींस, बिल बाहर आया, तो मेरा संडे को हुआ था बिल कितना, इसका लगा फटका, $14+ लगना लग गया मेरा, 14K का मैंने शॉपिंग करके आ गया, मतलब वो भी बेफालतू, मैं तो ऐसे ही गई थी घूमने, स्किन केयर लेने, और लग गई मेरे को। मैंने ये खरीदा है, ये सेकंड परचेस है, लोग देख सकते हो, वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, और इसका मुझे पड़ा 2590। वो अच्छी है, मुझे अच्छा लगा एक्चुअली, मैंने कल ही ट्राई करके इंस्टा पे रील्स बना के डाला है, आप लोग देख सकते हो जाके। एंड अकेले शूट करने का इतना दिक्कत, मुझे कैमरामैन की जरूरत है, कोई मेरे लिए कैमरामैन होगा होने से नीचे कमेंट कर देना, मैं अपॉइंट कर लूँगी। ये देखो इतना क्यूट है, मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बिना ट्राई किए खरीदा ये वाला, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने ट्रायल रूम नहीं किया, बस गया, मेरे को लगा कि हाँ ये आएगा मेरे को, बस उठा लिया, सही आ रहा है ना, और क्या चाहिए। वैसे मेरे पास डेनिम जीन्स का, शॉर्ट जीन्स बहुत कलेक्शन कम है, तो बस मैंने ये उठा लिया, एंड इसका मुझे पड़ा 2590। वो ठीक है, अगर कुछ चीज़ अच्छा लगता है तो ठीक है, जितना भी हो,
खुद को खुश रखती हूँ. खुद को खुश रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. है ना, खुद को खुश रखो. इसके बाद इसके बाद ये वाइट जींस मेरे एक है, एक्चुअली एक दो है लेकिन वो पुराना हो गया, तो उसमें मुझे लगा कि मुझे एक और नया ले लेना चाहिए था, इसलिए मैंने एक वाइट जींस ले लिया और इसका मुझे पड़ा 2990. ये भी बहुत सेक्सी फिटिंग आया है मुझे, मैं पहन के नहीं दिखा पा रही हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा. तो ये हो गया. एंड ओके, एक चड्डी भी लिया है, इट्स नॉट एग्जैक्टली चड्डी, ये स्कर्ट के अंदर जो पहनते हैं, ये भी लिया है मैंने. यस, कम्फी है, बहुत बहुत कम्फर्टेबल है, तो मैंने ले लिया. इसका मुझे पड़ा कितना, 990. तो अच्छा है ये भी, मैंने ट्राई कर लिया है, बेस्ट. मतलब मैं ऐसे वैसे नहीं लेता, मुझे सोच समझ कर खर्च करना होता है क्योंकि मतलब एक्सपेंसिव होते हैं. तो एंड दिस इज द फाइनल लास्ट, दिखाओ. ये बहुत ट्रेंडी चल रहा था बहुत, तो मैंने सोचा क्यों ना ले लें, मैं भी ले लेती हूँ, है ना. तो ये खुल गया, ये आपको पता ही है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ये वाला बैग ज़ारा का, और आप लोग देख सकते हो कितना क्यूट है ना, है ना. तो मैंने ले ली, तो ये है. तो मैंने आप लोगों को बस ज़ारा का हॉल दिखाने के लिए ही स्पेशली ये वीडियो बनाया है. और तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. बाय बाय.